शुक्रवार को रजेड़ा पुल वाली गैसिया मस्जिद में जुम्मे की नमाज के बाद त्रिपुरा में मुस्लिम समाज पर हो रहे हमलों के विरोध में मुस्लिम समाज के आलिमों ने वहां की सरकार के खिलाफ आक्रोश व्यक्त करते हुए कहा कि असम सरकार वहां रहने वाले अल्पसंख्यक समुदाय की हिफाजत करने में पूरी तरह फेल साबित हो रही है, क्योंकि सरकार के ही कुछ समर्थक संगठन मुस्लिम समाज के लोगों को चुन चुन कर निशाना बना रहे हैं। लेकिन वहां की असम सरकार वोट बैंक की राजनीति करने के चक्कर में अल्पसंख्यक समुदाय को उनका निशाना बनने दे रही है। वहीं मुस्लिम समुदाय की बहन बेटियों के साथ बलात्कार जैसे जघन्य अपराध हो रहे हैं। इस पर ना तो असम सरकार उपद्रवियों के खिलाफ कोई कार्रवाई कर रही है और इन घटनाओं पर गृह मंत्रालय भी ध्यान नहीं दे रहा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब वहाँ कोई बड़ी अनहोनी घटना घट जाए। हमारी मांग है कि देश के प्रधानमंत्री इन हत्या बलात्कारों को रोकने का असम सरकार को आदेश दे और मुस्लिम समुदाय की सुरक्षा की गारंटी दे। जुमा गौसिया जामा मस्जिद में एक एहतजाज प्रोग्राम रखा है। चूँकि हम मजलूम हैं, निहत्ते हैं, हम अगर कुछ भी नहीं कर सकते तो कम से कम हम अपने मुसलमान भाइयों के हक में दुआ तो कर सकते हैं, और दुआ से तकदीरें बदल जाती हैं, दुआ इबादत का मकसद भी है। लिहाजा हम अपने अपने घर पहुँच के अपनी अपनी मस्जिदों में हर पंज वक्ता नमाज के बाद में हम त्रिपुरा के मुसलमानों के लिए दुआ करें, और वहाँ जो कुछ शरपसंदों ने यह हरकत की है, मुसलमानों के साथ जो बेइज्जती की है, हमारी मस्जिदों को पामाल किया है, हमारी मस्जिदों को शहीद किया है, कुरान करीम को जलाया गया है मादल्ला सुम्मा मादल्ला, या इसके अलावा वहाँ की बहन बेटियों के साथ, हमारी मुस्लिम बहन बेटियों के साथ जो उन्होंने बेइज्जती की है, लिहाजा उनकी हलाकत के लिए आप बद्दुआ करें अल्लाह से। हिम्मत करते हैं, हिंदुस्तान की गंगा जमुनी तहजीब को हम बर्बाद नहीं होने देंगे, यहाँ का शिराजा नहीं बिखरने देंगे, यहाँ के इत्तेहाद को ठेस नहीं पहुँचने देंगे। जो भी उन जालिमों की हिमायत करेगा हम उसकी भी सख्त अल्फाज में मजम्मत करते हैं, और वजीर आजम से और वहाँ के वजीर आला से, वजीर दाखिला से हम ये अपील करते हैं कि जो मस्जिदें शहीद हुई हैं उन्हें दोबारा से जो है आबाद किया जाए, जिन मुसलमानों का नुकसान हुआ है उनके नुकसान की भरपाई की जाए, और जिन शरारती गुंडों ने, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद के शरारती गुंडों ने ये नापाक हरकत की है, हमारे नबी मुअज्जम आका हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जो नाजेबा कलिमात कहे हैं ये बहुत ही ज़्यादा दुखदेह हैं। हुकूमत इस पर खामोश न रहे, उन शरारती गुंडों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करे। हम आपके लिए आज यही पैगाम देना चाहते हैं कि आप लोग जो हैं अपनी दुआओं में तमाम गरीब लोगों को याद रखें, मुसलमानों की हिफाजत की दुआ करें, मस्जिदों की हिफाजत की दुआ करें, नमाज की पाबंदी करें। अल्लाह तबारक व तआला हम सबका यहाँ जमा होना कबूल फरमाए, आज जो ये एहतजाज किया गया है इस एहतजाज को कबूल फरमाए, त्रिपुरा के मुसलमानों की हिफाजत फरमाए, पूरे आलम इस्लाम के मुसलमानों की हिफाजत फरमाए, और हमारे मुल्क की हिफाजत फरमाए। हमारे मुल्क में जो लोग शरारत पसंद यहाँ शरारतें करके गंगा जमुनी तहजीब को नुकसान पहुँचाना चाहते हैं, मौला उन्हें नेस्त नाबूद कर दे, ऐसे लोगों से हमारे मुल्क को खाली कर दे, हमें सेकुलर हुकूमत अता फरमा, अच्छी मुनसिफ हुकूमत अता फरमा, अपने फजलो करम से हम सब में इत्तेफाक और इत्तेहाद अता फरमा, हम सब का जमा होना कबूल फरमा। आमीन बिजाहिन नबी करीम बिरहमतिका या रहमान।